आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आज ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्मदिन भी है, जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा करके इस पेशे को हमेशा के लिए सम्मानित कर दिया। आज हम कुछ कोरोना योद्धाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कोरोना की महामारी से जूझ रहा है नर्सें, डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी इस समय अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। भारत में भी नर्सें और मेडिकल स्टाफ दिन रात मरीजों की अनवरत सेवा में लगे हुए हैं। इस दौरान अनेक नर्सों को लगातार मास्क लगाने और पीपीई पहनने के कारण घाव हुए और दाग पड़ गए, लेकिन वे सेवा में जुटी हुई हैं। इनमें से अनेक कोरोना आउटब्रेक के बाद से अपने घर भी नहीं जा सके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की परिकल्पना नर्सों के योगदान के बिना संभव नहीं है। नर्स वो कड़ी है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर उपचार से जोड़ती है। कोरोना संक्रमण काल में पूर्णिया सदर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में कार्यरत ए ग्रेड स्टाफ नर्स डिंपल कुमारी इस फर्ज को बखूबी निभा रही हैं। वो न सिर्फ सभी गर्भवती महिलाओं की जांच करती हैं, बल्कि उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाना है इसकी जानकारी भी देती हैं। 8 से 18 घंटे तक ड्यूटी निभा रही नर्स डिंपल ने बताया कि इस काम के बाद वे जब भी घर जाती हैं तो वहां खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखती हैं। से कोविड-19 पूरा स्प्रेड हो गया है, तो तब से थोड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सब बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर उसमें बहुत चैलेंजिंग होता है काम करना हम लोगों को। सभी जो भी है मैटरनिटी की मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क में होती है, बहुत सारी उसमें भी डिजीजें होती है, लेकिन हम जो है हमारी ड्यूटी डेली लगती है। अभी कोविड लेके तो एक भी लीव नहीं मिल पा रहा है। इवन डेली ड्यूटी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, नाइट होती है और डे होती है। डिंपल के पिता उमेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। वो इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा की तरह अपना फर्ज निभा रही है। अभी जो विश्वव्यापी कोरोना फैला हुआ है, उस स्टेज में हमारी लड़की दिन रात मेहनत कर रही है और सदर अस्पताल में 15 से लेकर 18 घंटा की कभी कभी ड्यूटी पड़ती है, जिसमें वह कभी कभी घर नहीं आ पाती है, जिसके चलते मैं चिंतित रहता हूं। लेकिन कोरोना योद्धा के कारण जो वह काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, तो मुझे गर्व है। दूरदर्शन परिवार इन सभी कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है।